नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में। आज उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि UTT की परीक्षा पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा इंतजामों के बीच चल रही है। आपको बता दें कि UTET परीक्षा 29 शहरों में 97 परीक्षा केंद्रों में संचालित हो रही है, जिसमें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये परीक्षा 29 शहरों के 97 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के बीच संचालित हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 पाली में संचालित की जा रही है, जिसमें पहली पाली 10 बजे सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और UTET की द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। वहीं परीक्षा केंद्र इंचार्ज बलवंत सिंह मनराल ने बताया कि पूरी सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षाएं चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों के साथ थी पेपर देने आए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल सामान और मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। हमारी परीक्षा संचालित हो रही है और 2 पालियों में शाम को 2 से 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। तो ऐसा है कि जैसे परसों जीजीएसटी हल्द्वानी से पेपर मिले थे 26 को, तो फिर उनको ला करके हम लोगों के द्वारा डबल लॉक में सही रखवाया था पुलिस अधीक्षक मोबाइल, वो तो हमने अपने जो निरीक्षक हैं उनको भी और एज वेल एज को भी कह दिया है कि भैया परीक्षा बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल तो अलाउ है ही नहीं। इस खास खबर में बस इतना ही। खास खबरें और ताज़ा खबरें JJN आपके लिए लाता रहेगा। आप JJN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।